चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपका जो सिलेबस है NHM का, स्पेशली सिलेबस है राजस्थान MP का। राजस्थान में जो GNM वाली वैकेंसी निकाली है उसके लिए MP NHM का जो सिलेबस है, अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस के जो क्लासेस अभी कंटिन्यूस की जा रही हैं। आज की ये क्लास नंबर 6 में आपको जो भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो बेस्ड ऑन और सिलेबस रहने वाले हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो भी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जानी है वो यहाँ पे आपको ऐड की गई हैं। सेकंड थिंग कि जो भी लोग पहली बार यदि MP NHM का पेपर दे रहे हैं, तो इसके पहले सेम्स ने कंडक्ट करवाए थे MP NHM के पेपर, वो पेपर आप लोग एक बार ज़रूर देख के जाना। किसी रीज़न से, जो भी रीज़न रहा हो, सेम्स के साथ MP का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था, तो MP ऑनलाइन के थ्रू फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, बट आपकी NHM के थ्रू एज ए संविदा बेस्ड पोस्टिंग की जाएगी। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं बता दूँ, एज कम्पेयर टू CHO के NHM का पेपर आपका जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पेपर्स होते हैं, उसी तरीके से NHM का सिलेबस भी ऐड किया जाता है। थोड़ा बहुत 10% ही अंतर रहता है और कुछ भी नहीं। दूसरी चीज़, यदि आप राजस्थान CHO की तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान का मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, चाहे पेपर कितना भी हार्ड क्यों ना आया हो, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर आपको भी MP वाले हों या राजस्थान वाले या UP वाले, तैयारी बहुत ही अच्छे से करना है। रिसेंट में जो MP ग्रुप 5 का पेपर हुआ था, MP ग्रुप 5 ने जो पेपर कंडक्ट करवाए थे, तो जितने पेपर मेरे पास अरेंज हुए थे मैंने अपडेट कर दिए थे, कुछ बचे हुए वो भी आपको अपडेट कर दिए जाएंगे। और जो भी लोग NHM के पेपर्स परचेस करना चाहते हैं, मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, NHM के पेपर्स में आपको MP के बस यदि आप पेपर लेंगे तो 25 पेपर रहेंगे, ₹250 आपको चार्ज लगेगा। यहाँ पे मैं आपको PDF दिखा देती हूँ, पर क्वेश्चन पेपर आपको ओनली ₹10 ही कॉस्ट होगी, और पूरे 25 पेपर्स में आपको पूरे 25 पेपर्स सॉल्व रहेंगे, जिसमें आपके MP ग्रुप 5 के, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, CHO के और NHM के पूरे पेपर्स कवर रहेंगे, जितने ऑफिशियल अभी तक जो अपडेट किए गए थे वो सभी पेपर। और यदि जो भी लोग ऑल इंडिया NHM CHO और MP के पेपर्स लेना चाहते हैं, तो आप भी उन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। ANM के लिए ऑफिशियल आंसर कीज अवेलेबल हैं, तो आप वो भी आंसर कीज, कि जो भी लोग PDF फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, आपको उनका चार्ज लगेगा, बाकी क्लासेस का आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है आपके लिए, एट वॉट पॉइंट इन टाइम इज द पॉपुलेशन असेस्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट के लिए यहाँ पर एक एग्जैक्ट डेट दी जाती है कि वो कब यूज़ की जाती है। ऑप्शन में 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 जुलाई या फिर 30 जून। तो क्रूड बर्थ रेट का मतलब होगा एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। क्या है क्रूड बर्थ रेट? इज द एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। तो यहाँ पर क्रूड बर्थ रेट के लिए जो एक टाइमिंग है, पॉइंट ऑफ टाइमिंग है, वो कहलाता है 1 जुलाई। क्या है? 1 जुलाई। यदि इसका फॉर्मूला की बात करते हैं, तो फॉर्मूला होता है यहाँ जाती है, तो क्या होगा यहाँ पर, एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन 1 ईयर डिवाइडेड बाय 1000 ऑफ टोटल पॉपुलेशन। क्या है? डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन और 1000 टोटल पॉपुलेशन। तो क्या है क्रूड बर्थ रेट? यदि यहीं पर आप डेथ की बात, बर्थ की जगह आप डेथ बाय ड्यूस कर दीजिए, तो हो जाएगी आपकी क्रूड डेथ रेट, मतलब डेथ इन 1 ईयर डिवाइडेड बाय 1000 टोटल पॉपुलेशन इक्वल टू क्रूड डेथ रेट। तो यहाँ पर बर्थ रेट के लिए, CBR के लिए यदि एक एग्जैक्ट टाइमिंग और डेट पूछे, तो वो थी आपकी 1 जुलाई। नेक्स्ट इज पेशेंट ऑन एनाल्प्रिल एंड डायरेटिक थेरेपी फॉर हार्ट फेलियर, नर्स शुड नोटिफाई द फिजिशियन दैट द थेरेपी इज नॉट इफेक्टिव व्हेन सी फाइंड्स। तो यहाँ पर यदि किसी पेशेंट को एनाल्प्रिल दी जा रही है, साथ में डायरेटिक्स भी दिए जा रहे हैं, हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है, तो यहाँ पर जो एनाल्प्रिल और जो यहाँ पर मेडिसिन दी जा रही है, कौन सी? डायरेटिक्स, हार्ट फेलियर वाले मरीज को दी जा रही है। तो यहाँ पर
एज अ नर्स आप क्या नोट करेंगे कि पता चलेगा कि ये मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है? ड्राई कफ स्किन रैशेस, एडिमा ऑफ लेग्स या प्रोपोस्टरल फॉल इन ब्लड प्रेशर। जब भी एनाल्प्रिल दी जाती है, एनाल्प्रिल क्या है? हाई बीपी को ट्रीट करने वाली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। अब जनरल ये किडनी डिसीज वाले मरीज में भी दी जाती है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ कहा है कि हार्ट फेलियर वाला मरीज है, तो डायरेटिक्स के साथ में एनाल्प्रिल जो कि एक ऐसी इनहिबिटर मेडिकेशन है, यदि दी जा रही है तो पता कैसे चलेगा? स्वेलिंग से। क्यों? क्योंकि यदि एडिमा है लेग्स में, दैट मीन्स जो भी फ्लूड ओवरलोड हो रहा है वो भरा हुआ बाहर ही नहीं निकला। तो डायरेटिक्स थेरेपी और एनाल्प्रिल यदि साथ में दिया जा रहा है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यदि पैरों में स्वेलिंग आती है पर्सन के, तो आपको फिजिशियन के लिए जाके सीधा इन्फॉर्म करना है। क्लियर? नेक्स्ट वन, हार्ट रेट ऑफ हेल्दी अलर्ट न्यूनेट में रेंज बिटवीन। तो एक हेल्दी अलर्ट न्यूबॉर्न जो न्यूनेट है उसकी हार्ट रेट कितनी होगी? 120 एंड 180 बीट पर मिनट, 130 एंड 170 बीट्स पर मिनट, 110 एंड 160 या फिर 100 एंड 130 बीट पर मिनट। तो यहाँ पर एक नॉर्मल रेंज की हम बात करें, किसकी? नॉर्मल रेंज की यदि हम बात करते हैं तो बच्चों की जो हेल्दी न्यूनेट की होती है 120 से लेके कितना 160 तक। तो अब यहाँ पर एक हेल्दी अलर्ट न्यूनेट की बात की जा रही है, तो रेंज आएगी आपकी वो कि 110 से 160, कितना 110 से 160, 110 से 160 बीट पर मिनट के हिसाब से यदि रहेगी, मतलब बच्चा क्या है, अलर्ट है और हेल्दी है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर दैट डज नॉट मेटास्टेसाइज कॉमनली टू लिवर। कौन सा कैंसर है जनरली जो लिवर के तरफ मेटास्टेसाइज, मतलब लिवर में नहीं फैलेगा? ऑप्शन में है यहाँ पर ब्रेस्ट, लंग, कोलन या फिर प्रोस्टेट। तो कौन सा कैंसर होगा, क्या है यहाँ पर, कौन सा कैंसर होगा कि जो इजीली या फिर किसी भी तरीके से मेटास्टेसाइज का मतलब है कि फैलना, तो मेटास्टेसिस वाला कैंसर नहीं है, वो कौन सा होगा? तो वो होगा यहाँ पर आपका प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर कभी भी चेस्ट के यहाँ पर नहीं फैलेगा, ना लंग्स में ना कोलोन में। तो यहाँ पर जो कैंसर नहीं फैलेगा वो कौन सा होगा, वो कहलाएगा प्रोस्टेट कैंसर। नेक्स्ट इज, इनगल्फिंग ऑफ लिक्विड सब्सटेंस वाय सेल्स इज कॉल्ड। तो सेल्स क्या करेंगी, लिक्विड सब्सटेंस को निगल जाएंगी, मतलब खा जाएंगी, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस या फिर नन ऑफ देम। तो सेल्स का, सेल्स वाले पार्ट से आपको यदि क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपकी सेल्स में आपकी पूरी सेल्स आएंगी, मतलब टाइप ऑफ सेल्स कितनी, किस तरीके की सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, किससे बनी हुई होंगी, किसमें सेंटर है, किसमें नहीं है, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, सब कुछ आपका सेल्स वाला पार्ट है और एग्जाम में आपको आएगा। तो यहाँ पर जो सेल्स लिक्विड सब्सटेंस को क्या करेंगी, निकल जाएंगी, वो क्या हुआ, पिनोसाइटोसिस। क्या है? पिनोसाइटोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी चीज़ क्रॉस करना। क्लियर? फिर यहाँ पे आपको आता है फेगोसाइटोसिस, एग्जाम में ये भी आता है फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस का मतलब है यहाँ पर लार्ज पार्टिकल्स का निकलना, लिक्विड में पिनोसाइटोसिस, यदि लार्ज पार्टिकल या फिर कुछ अदर मटेरियल, कोई भी बैक्टीरिया हो गई, कुछ ऐसी सेल्स हो गई, उनका इंगल्फ करना, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फेगोसाइटोसिस। नेक्स्ट वन, द सीक्रेशन ऑफ गॉब्लेट सेल्स इज नोन एज। तो जो गॉब्लेट सेल्स, इनके सीक्रेशन को क्या कहा जाएगा? ऑप्शन में हार्मोन, म्यूकस एंजाइम या फिर डाइजेस्टिव जूस। तो गॉब्लेट सेल्स एक तरीके की इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियल सेल्स होती हैं, जिनका मेन काम होता है म्यूकस को सीक्रेट करना। किसके लिए? म्यूकस को सीक्रेट करना। और म्यूकस क्या काम करेगा, जो भी स्टमक से एसिड वगैरह निकलेगा उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। तो गॉब्लेट सेल्स रहती कहाँ पर हैं, इंटेस्टाइन में, अब क्या करती हैं, म्यूकस का सीक्रेशन करेंगी। क्लियर? नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ होलोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पर होलोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन में है यहाँ पर स्वेट, सेबेसियस, पेंक्रियाटिक या फिर सलाइवरी। तो यहाँ पर होलोक्राइन ग्लैंड मतलब कि ऐसी ग्लैंड जो सीबम,
इसका सीबम का सीक्रेशन करेगी, प्रोडक्शन करेगी और सीक्रेशन करेगी, तो वो कौन सी है, वो कहलाएगी सेबेसियस ग्लैंड। कौन सी हो गई, सेबेसियस ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स हूज सीक्रेशन एंड आर प्रोड्यूस्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स एंड दैट इज रिलीज्ड बाय द रप्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ऐसी सेल्स जो क्या करेंगी, जो सीक्रेशन है उनका सीधा उसको साइटोप्लाज्म के थ्रू है जो क्या करेंगी, रिलीज करेंगी। और ये कौन सी हुए, सेबेसियस ग्लैंड, जो ग्रंथि सेबेसियस ग्लैंड। कौन सी, सेबेसियस ग्लैंड। तो ये ग्लैंड का काम क्या होगा, सीबम का प्रोडक्शन करना, किसका, सीबम का प्रोडक्शन करना। तो यहाँ पर होलोक्राइन ग्लैंड कौन सी हो गई, वो सेबेसियस ग्लैंड। नेक्स्ट इज, इन द स्टेट ऑफ इन्फेक्शन विच टिश्यूज आर मोर एक्टिव। तो इन्फेक्शन के टाइम पर कौन से टिश्यूज हैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, रेटिकुलर, एडिपोज, एलास्टिक या फिर कोलेजिनस टिश्यू। तो ऐसे टिश्यूज जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कब, जब भी कोई इन्फेक्शन की कंडीशन हो, वो कहलाते हैं रेटिकुलर टिश्यू। कौन से, रेटिकुलर टिश्यू। ये छोटे छोटे एग्जाम आपके सेल्स वाले क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपको आते हैं, तो यहाँ पर कौन से टिश्यू हैं जो सबसे पहले एक्टिव रहेंगे, तो वो होंगे आपके रेटिकुलर टिश्यू। नेक्स्ट वन इज, ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज मोस्टली फाउंड इन। ये क्वेश्चन आई थिंक राजस्थान के पेपर में आ चुका है, जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, एडल्ट मेल में, एडल्ट फीमेल में, न्यूबॉर्न में या फिर ओल्ड एज पर्सन में। तो जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू हैं, कौन से ब्राउन एडिपोज टिश्यू हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज में। जैसे जो ब्राउन, जैसे एडिपोज टिश्यू हो गए वैसे ही वाइट होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, उनको हम ब्राउन फैट भी कह सकते हैं। और ये जनरली इन्फेंट में पाए जाते, बैक में हो गया, अपर हाफ ऑफ द स्पाइन में हो गया, शोल्डर्स में, किडनीज के यहाँ पर, जो बेबी छवी टाइप के रहेंगे, थोड़े फूले फूले से रहते हैं, तो यहाँ पर क्या है, वो एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोज टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है, न्यूबॉर्न बेबी में। नेक्स्ट वन, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग विटामिन ए एक्सेप्ट। तो सब कुछ सही है विटामिन ए को लेके, किसी एक को छोड़कर। इट इज़ फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हाई डोज इन प्रेगनेंसी इज टेराटोजेनिक, सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मॉर्टलिटी इन मीजल्स, सप्लीमेंटेशन रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड डायरिया। तो विटामिन ए है, प्रेगनेंसी में टेराटोजेनिक इफेक्ट कर सकता है। दूसरा, मीजल्स के साथ जो डोज दिया जाता है 9 महीने की एज के बाद, तो वो भी यहाँ पर क्या है, मॉर्टलिटी को कम करेगा मीजल्स में। अब यहाँ पर डायरिया के लिए, मॉर्बिडिटी मतलब बीमार होने से भी बचा गया था सप्लीमेंटेशन के तौर पर। लेकिन विटामिन ए सबसे ज़्यादा जो ऑरेंज कलर के फल फूल सब्जियाँ रहेंगी उसमें पाया जाता है, ना कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। विटामिन ए का जो सबसे अच्छा सोर्स की यदि हम बात करें, तो क्या है, फैट सॉल्यूबल विटामिन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर जितने भी फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं वो सब्जियों के अलावा, सब्जी फल फूल के अलावा जो भी आपका नॉनवेज आइटम होता है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन जो विटामिन ए है यहाँ पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। नेक्स्ट इज, नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इट हैज़ टू बी ह्यूमिफाइड बिकॉज। तो इस ऑक्सीजन थेरेपी का क्वेश्चन, अभी जो बच्चों में ऑक्सीजन एक्सेस सप्लाई के कारण जो आँखों के पीछे रेटिकुलर हाइपोप्लासिया होता है वो पूछा जाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को आप ह्यूमिडिफाई करके ही क्यों देते हैं, बिकॉज इट अ हॉट एयर एंड इज मेक बर्न द ट्रेकिया। ऑक्सीजन इज अ ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस। ऑक्सीजन इज इजिली एब्जॉर्ब बिकॉज ह्यूमिडिफिकेशन एड एच आई एन टू इट्स, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ऑक्सीजन सिलेंडर आपने देखे होंगे, ब्लैक एंड वाइट कलर के होते हैं, तो यहाँ पर उसके साथ में एक ह्यूमिडिफायर के तौर पर लगाया जाता है। तो यहाँ पर उसको ह्यूमिडिफाई क्यों किया जाता है, डायरेक्ट क्यों नहीं देते आप, क्योंकि ऑक्सीजन एक ड्राई गैस है, म्यूकस को थिक कर सकती, इसीलिए इसको ह्यूमिडिफाइड डिस्टर्ब वाटर यूज़ करके के अंदर भेजा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज, और जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर मैं फिर बता दूँ, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं,
सेकंड मेडिकल एंड नर्सेज आपका शॉर्ट्स चैनल है, वहाँ पे आपको कल से, कल का मतलब है आपको 11th जुलाई से डेली एक क्लास होगी। फिक्स टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग 10:30 पे, आपको एक क्लास होगी 20 या 25 मिनट तक की हो सकती है, जिसमें आपको थ्योरी बेस्ड टॉपिक है जो डिस्कस किए जाएंगे। थ्योरी बेस्ड का मतलब आपका कोई सा भी ऐसा टॉपिक रहेगा जिसमें आपको, जिसमें आपके लिए चाहे एनाटॉमी वाले टॉपिक ले लो, MSN के ले लो, या फिर पीडियाट्रिक के ले लो, या फिर गायनिक के ले लो, कोई सा भी एक टॉपिक रहेगा जिसको पूरा प्रॉपर थ्योरी बेस्ड फॉर्म में पढ़ाया जाएगा कल से 10:30। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विथ द यूज ऑफ इंट्रायूटराइन डिवाइस। तो IUCD या फिर IUD आप इंट्रायूटराइन डिवाइस यूज़ करते हैं तो इसका कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? ट्यूबल प्रेगनेंसी, रप्चर ऑफ यूट्रस, एक्सपल्शन ऑफ डिवाइस एंड एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो यहाँ पर इंट्रायूटराइन डिवाइस से रिलेट करता हुआ जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है, होता है हैवी ब्लीडिंग। क्या है? हैवी ब्लीडिंग। हैवी ब्लीडिंग का मतलब है कि जब पीरियड्स आएंगे उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का होना, एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल फ्लो। दूसरा होता है पेन। क्या है? पेन। पेन भी एक कॉमन साइड इफेक्ट है, लेकिन फर्स्ट प्राइमरी में कहा जाता है ब्लीडिंग, तो सेकेंडरी में क्या आएगा आपका? पेन। नेक्स्ट वन इज ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। ब्लीडिंग टाइम BT टाइम है जो सब में लंबा रह सकता है किसी एक को छोड़कर। हीमोफीलिया ए, वॉन ब्लेब्रेन डिसीज, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, फिर बाइपरवाइड। तो यहाँ पर सब में ब्लीडिंग टाइम क्या रहेगा? प्रोलॉन्ग्ड रहेगा किसी एक को छोड़कर। किसी एक को छोड़कर सब में ब्लीडिंग टाइम क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। तो वो क्या है? हीमोफीलिया ए में रहेगा, बॉन ब्लेब्रेन डिसीज में होगा, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में होगा, लेकिन बाइपरवाइट, बाइपरवाइट का मतलब है जो सांप का काटना है, रसेल बाइपर वगैरह हैं, उनके काटने में ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग नहीं होगा। बाकी इन सब में कुछ भी चोट लगेगी आपको ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर हीमोफीलिया ए हो गया, बॉन ब्लेब्रेन डिसीज हो गई, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में प्लेटलेट्स के कारण होगा, हीमोफीलिया में तो क्लॉटिंग फैक्टर उनकी कमी के कारण होगा। तो वाइपर वाइट में क्या है? ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग नहीं रहेगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट ऑफ फेमस क्वेश्चन नर्सिंग का, टॉर्च इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। टॉर्च इन्फेक्शन में सब कुछ आएगा किसी एक को छोड़कर। टिटनस, साइटोमेगालो वायरस, रुबेला या फिर हर्पीज इन्फेक्शन, सब कुछ आएगा किसी एक को छोड़कर। तो टॉर्च में टिटनस इंक्लूड नहीं होगा। टॉर्च का तो फुल फॉर्म पता होगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। टॉर्च जो कि एक कॉम्प्लेक्स इन्फेक्शन है जिसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, रुबेला, साइटोमेगालो वायरस और हर्पीस सिम्प्लेक्स है जो रहेंगे। तो यहाँ पर जो टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी और ट्रिपनोमा पैलिडियम सिफिलिस को कॉज करेगा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए टॉक्सोप्लाज्मा गोनिडी या हेपेटाइटिस बी वायरस होगा, रुबेला के लिए रुबेला वायरस होगा, साइटोमेगालो वायरस, HSV वायरस, ये सब क्या हैं? एक पूरा ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन है टॉर्च, जिसमें साइटोमेगालो वायरस होगा, रुबेला होगा, हर्पीज होगा, हेपेटाइटिस बी होगा, सिफिलिस होगा, लेकिन यहाँ पर टिटनस इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? टिटनस। या तो एग्जाम में टॉर्च का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, या फिर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन नेचुरल गैस कॉजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कौन सी हैं जो नॉन नेचुरल गैस हैं, मतलब कि जो कि मैन मेड गैस में आ जाएंगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या करेंगी, कॉज करेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मिथेन या फिर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और आपने न्यूज़ देखा होगा और आप पढ़ भी सकते हैं कि कहा जाता है कि धरती पर सबसे ज़्यादा क्या हिस्सा है? पानी का, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर ग्रीन हाउस के लिए नॉन नेचुरल गैस, नॉन नेचुरल मतलब नेचुरली बनी हुई गैस नहीं है, तो होगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी? CFC और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एप्स्टोसिस इज, एप्स्टोसिस क्या है? एयरबॉर्न डिसीज है,
ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है, फूड बॉर्न डिसीज़ है कि वाटर बॉर्न डिसीज़ है। तो यहाँ पर आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट एग्ज़ाम में आता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो एप्स्टोसिस है क्या है, एयरबॉर्न है, किस तरीके का इन्फेक्शन है आपका। तो एप्स्टोसिस क्या है, यहाँ पर ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है जो कि एक क्रॉनिक लंग डिसीज़ है। जो भी लोग लंबे टाइम तक एप्स्टोसिस फाइबर्स में काम करेंगे उनको होने के चांसेस से रहेंगे। क्या है एप्स्टोसिस, एस्ट्रोस फाइबर्स जो लोग लंबे टाइम तक एक्सपोज करेंगे, इनहेल करेंगे, एक तरीके से क्या हो गई है, ऑक्यूपेशनल डिसीज़। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स आपको एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो एरिया अफेक्ट होगा वो क्या होगा, लंग्स होगा, ऑर्गन अफेक्ट होंगे वो क्या होंगे, लंग्स होंगे। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो प्राइमरी हेल्थ केयर के सभी प्रिंसिपल हैं किसी एक को छोड़कर। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अप्रोप्रिएट एंड कंटिन्यूटी। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के सभी प्रिंसिपल हैं किसी एक को छोड़कर, तो अप्रोप्रिएट एंड कंटिन्यूटी नहीं है। बाकी जो प्रिंसिपल आते हैं आपके वो ये रहे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। लेकिन यहाँ पर जो नहीं है वो क्या है, अप्रोप्रिएट एंड कंटिन्यूटी। यदि एलिमेंट पूछें तो 8 होते हैं, प्रिंसिपल पूछें तो 4 होते हैं। एलिमेंट्स में जो 8 हैं, एजुकेशन, वाटर एंड सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंशन ऑफ पैंडेमिक डिसीज, ट्रीटमेंट और ड्रग अवेलेबिलिटी। ये क्या है, एलिमेंट्स हो गए, जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर का जो प्रिंसिपल आया था वो आया था 1978 में अल्माटा डिक्लेरेशन के तहत। तो यहाँ पर हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 और हेल्थ बाय पीपल, तो ये सभी इसी में आए थे। अब यहाँ पर प्रिंसिपल हमने पढ़ ली, एलिमेंट्स पढ़ ली, 1978 में आया था ये। तो यहाँ पर आपको ये याद करके जाना, एक तो इसके प्रिंसिपल और दूसरा इसका एलिमेंट्स। एलिमेंट्स टोटल 8 होते हैं। नेक्स्ट इज इन द इंटरनेटल टाइम पीरियड्स ऑल आर इंक्लूड इन द 5 C's ऑफ एक्सेप्ट। तो इंट्रानेटल टाइम पीरियड में 5 C's हैं किसी एक को छोड़कर, क्लीन कॉर्ड स्टम, क्लीन सरफेस, क्लीन हैंडल, क्लीन द हॉस्पिटल। अब कौन सा नहीं है, तो इंट्रानेटल टाइम पीरियड में जो 5 WHO की 5 cord क्लीनिंग के लिए जो 5 practice हैं वही है। यहाँ पर इंट्रानेटल दे के पूछा है, लेकिन यहाँ पर 5 C's हैं, तो वो कौन से हैं, सब है किसी एक को छोड़कर। तो जो नहीं होगा वो कौन सा होगा, वो होगा यहाँ पर आपका क्लीन द हॉस्पिटल। 5 C होते हैं, क्लीन सरफेस, क्लीन हैंड, क्लीन कॉर्ड एंड टाई, क्लीन कॉर्ड द स्टम्प। तो ये 5 C हो गए। लेकिन जो नहीं है, 5 C's असेप्सिस या फिर हम कह सकते हैं नहीं होगा, वो कौन सा होगा, हॉस्पिटल, क्लीन द हॉस्पिटल। बाकी यहाँ पर है सभी रहेंगे। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड बिटवीन इन्फेक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट HIV इज नोन एज। टाइम पीरियड जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया हो और एंटीबॉडी डिटेक्ट की जा रही हो HIV की, तो वो कौन सा टाइम पीरियड है, एक्यूट इन्फेक्शन, एक्टिव HIV, क्रॉनिक इन्फेक्शन या फिर विंडो पीरियड। तो टाइम पीरियड जिसमें इन्फेक्शन आपका होके डिटेक्ट हो गई एंटीबॉडी, वो कौन सा हुआ, विंडो पीरियड। कौन सा पीरियड, विंडो पीरियड, ये एग्ज़ाम में आता है। HIV का विंडो पीरियड मतलब कि जो आपका ऐसा टाइम पीरियड इन्फेक्शन एंटर होने के बाद आपका जो टेस्ट किया जाता है, एंटीबॉडी डिटेक्ट हो जाए HIV के अगेंस्ट, तो वो क्या है, वो विंडो पीरियड। जब CD4 टी सेल काउंट 200 से कम होने लगता है तब इसको कंफर्म माना जाता है। यदि कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करें हम HIV के लिए, तो होता है वेस्टर्न ब्लॉड टेस्ट। कौन सा, वेस्टर्न ब्लॉड टेस्ट। क्वेश्चन है इंक्रीज्ड सुसाइडल टेंडेंसी इज एसोसिएटेड विथ, जो सुसाइडल टेंडेंसी, इंक्रीज्ड सुसाइडल टेंडेंसी है किसके कारण होती है, लो लेवल ऑफ सीरोटोनिन, हाई लेवल ऑफ सीरोटोनिन, लो लेवल ऑफ एसिटाइल कोलिन या फिर हाई लेवल ऑफ डोपामिन। तो जो डोपामिन का लेवल
घटेगा तब क्या होता है, पार्किंसन। लेकिन यहाँ पर सुसाइडल टेंडेंसी की बात की जा रही है कि किसके कारण सुसाइडल टेंडेंसी, मतलब आत्महत्या करने वाले जो ख्याल आते हैं दिमाग में किसके कारण आते हैं, जब सीरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है। और ये लेवल कम किस में होता है, डिप्रेशन वाले मरीज में, किस में, डिप्रेशन वाले मरीज में। तो यहाँ पर लो लेवल ऑफ सीरोटोनिन, इसीलिए जो SSRI मेडिसिन दी जाती हैं ये किसके लिए दी जाती हैं, सीरोटोनिन लेवल मैनेज करने के लिए, इसके कारण डिप्रेशन को ट्रीट किया जा सके। तो इंक्रीज्ड सुसाइडल टेंडेंसी के सबसे ज़्यादा थॉट आते हैं डिप्रेशन वाले में, और ये आते हैं जब आपके जो ब्लड सीरम लेवल में सीरोटोनिन का लेवल क्या हो जाए, ज़रूरत से कम हो जाए तब। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस प्रोसीजर। हीमोडायलिसिस प्रोसीजर के टाइम पर कौन सी ड्रग यूज़ की जाएगी ब्लड क्लॉट बनाने से रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कि थक्का ना जमे, प्रोटामाइन सल्फेट, हेपेरिन, कॉमेडिन या फिर एस्प्रिन, कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी ताकि रक्त का थक्का ना जम पाए, तो वो होगी आपकी हेपेरिन। कौन सी, हेपेरिन। नेक्स्ट वन इज बर्गर डिसीज इज ऑल्सो नोन एज, बर्गर डिसीज क्या कहलाती है, DVT, थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिट्रेंस, रेनॉट्स डिसीज या फिर ऑल ऑफ दी अबव। बर्गर डिसीज कौन सी है, बर्गर डिसीज है थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिट्रेंस। देखिए यहाँ पर बर्गर डिसीज में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई वो बहुत ही पुअर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टरीज हैं आपकी वेसल्स हैं क्या हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगी, सिकुड़ जाएंगी इस कारण से, और यहाँ पर साइनोसिस देखने को मिलेगा। तो बर्गर्स डिसीज क्या है, थ्रोम्बो एंजाइटिस। और ये जनरली किसको होती है, जो लोग तंबाकू गुटखा ये सब खाते हैं उनको। नेक्स्ट इज अ काइंड ऑफ प्ले विच कैन बी ऑब्जर्व इन इन्फेंट। तो इन्फेंट में कौन से टाइप का प्ले देखने को मिलता है, एसोसिएट प्ले, पैरेलल प्ले, ऑन लुकर प्ले या फिर अनऑक्यूपाइड प्ले। तो जो इन्फेंट होते हैं उनमें कौन सा प्ले देखने को मिलेगा, इन्फेंसी एज में देखने को मिलता है अनऑक्यूपाइड प्ले। ये देखिए यहाँ पर इन्फेंसी का, यहाँ पर 1 साल तक को आप कंसीडर कर सकते हैं। अनऑक्यूपाइड प्ले का मतलब है इन्फेंसी पीरियड का प्ले। फिर यदि टोडलर का पूछे तो ऑन लुकर या फिर सॉलिट्री, क्या है, ऑन लुकर या फिर सॉलिट्री। फिर आपका पैरेलल प्ले, 2 साल से जब ज़्यादा एज हो जाती है बच्चों की, जो प्री स्कूलर वाले एज होते हैं वो। फिर एसोसिएटिव प्ले और कोऑपरेटिव प्ले, जब बच्चा 4 साल से ज़्यादा का हो जाए, मतलब स्कूल जाने वाले बच्चे कोऑपरेट करके खेलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इन्फेंसी वाले जो छोटे बच्चे होते हैं अनऑक्यूपाइड प्ले में रहेंगे। फिर ऑन लुकर पूछे आपको तो जो टोडलर्स रहेंगे, प्री स्कूल वाले बच्चे, जो टोडलर का मतलब 1 से 3 साल वाले आ जाएंगे आपके वो। फिर ऑन लुकर बिहेवियर, फिर पैरेलल प्ले, पैरेलल प्ले जनरली टोडलर्स में देखने को मिलेगा, किसमें, टोडलर्स में। और नेक्स्ट वन इज सिब्रिक क्रस्टिंग ओवर द स्कैल्प ऑफ अ न्यूबॉर्न इज नोन एज, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, सिब्रिक क्रस्टिंग ओवर द स्कैल्प ऑफ अ न्यूबॉर्न इज नोन एज। तो सिब्रिक है, क्रस्टिंग है पूरी, जैसे आपने आपके बच्चे का जो हेड है स्कैल्प पर वाइट वाइट कलर से ऐसे लगेगा आपको, कुछ लगा हुआ है, चिपका हुआ है, तो क्या कहलाता है, क्रैडल कैप, ग्रैन्यूलोमा, मंगोलियन स्पॉट या फिर सैल्मन पैचेस। ये सब आपको जितने ऑप्शन दिए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं, सिब्रिक क्रस्टिंग ओवर द स्कैल्प ये कहलाएगा क्रैडल कैप। बच्चों के सिर पे इस तरीके से लगा हुआ होता है, क्या कहलाता है, क्रैडल कैप। जैसे जैसे बच्चों की मंथ वाइज एज बढ़ती जाएगी अपने आप धुलते धुलते ठीक हो जाएगा, बट आप इसको नाखून से खरोचने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट इज अ फर्स्ट लाइन मेडिकेशन फॉर पल्मोनरी और ट्यूबरक्लोसिस। तो TB की फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है, तो है यहाँ पर ऑप्शन में कैप्रोमाइसिन, पायरिडॉक्सिन, रिफामसिन या फिर इथनेमाइड। तो फर्स्ट एंटी ट्यूबरक्लोसिस जो ड्रग्स होती है वो कंसीडर की जाती रिफामसिन। कौन सी, रिफामसिन, जो डॉट्स थेरेपी में प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है वही। तो यहाँ पर पल्मोनरी TB की फर्स्ट लाइन मेडिकेशन कौन है, रिफामसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन सब आ जाएंगी आपकी। हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को फर्स्ट 6 वीक तक प्रेगनेंसी में कौन सा स्ट्रक्चर रिलीज करेगा, सीक्रेट करेगा,
ऑप्शन में प्लेसेंटा, कॉर्पस ल्यूटियम, अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर डेसिडुआ बेसिलिस। तो फर्स्ट 6 वीक ऑफ प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लिए क्या कहा जाता है कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, हेल्दी प्रेगनेंसी होती है, बिना प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट 6 वीक तक है जो प्लेसेंटा तो बनाएगा नहीं है हार्मोन, आफ्टर 6 वीक प्लेसेंटा बनाएगा है हार्मोन, लेकिन फर्स्ट 6 वीक तक कौन सा स्ट्रक्चर इसको रिलीज करेगा, तो वो होगा कॉर्पस ल्यूटियम। कौन? ओवरीज का कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर है जो कि प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगा। यदि यहाँ पर पूछे कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ प्रेजेंट होगा, तो वो है ओवरी का ही पार्ट है जो कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा पहले 6 वीक तक, फर्स्ट 6 वीक तक। आफ्टर दैट जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है कौन रिलीज करेगा? प्लेसेंटा। तो यदि इनिशियल प्रेगनेंसी में पूछे, फर्स्ट 6 वीक में पूछे तो कॉर्पस ल्यूटियम, आफ्टर 6 वीक पूछते हैं तो प्लेसेंटा। और नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए यदि हार्मोन पूछे तो कौन है? प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट वन इज द हार्मोन दैट ओनली प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन से हार्मोन है जो ओनली प्रेगनेंसी में बस प्रोड्यूस होंगे, विदाउट नॉन प्रेगनेंट स्टेट में हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होंगे। ऑप्शन में है एस्ट्रोजन, SCG, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ऑक्सीटोसिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HCG एंड रिलैक्सिन। तो ये तीनों हार्मोन हैं, इनमें से कौन से हार्मोन हैं जो ओनली प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होते हैं? तो एस्ट्रोजन तो विदाउट प्रेगनेंसी भी होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए को आप है जो नहीं मानेंगे। सेकंड में भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ऑक्सीटोसिन ये नॉर्मल वे में भी रहेंगे आपकी बॉडी में, लेकिन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, रिलैक्सिन हार्मोन, ओनली तीन हार्मोन हैं जो कि प्रेगनेंसी में रिलीज होंगे। क्वेश्चन आप है जो अपने दिमाग में सेट करके रख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रेगनेंसी में, ओनली प्रेगनेंट स्टेट में वुमेन इन हार्मोन को रिलीज करेगी, वो होगा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HCG एंड रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर तीनों हार्मोन है ओनली प्रेगनेंसी में प्रोड्यूस होंगे, तो आपको ये तीनों के नाम है जो याद रखना है। रिलैक्सिन क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को है जो कंट्रोल करने का काम करेगा प्रेगनेंसी में। SCG को लेके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। फर्स्ट आता है कि जब जो यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तब SCG है जो 2 पिंक लाइन आएंगी, तो वो भी आपको पूछा जाता है। और यहाँ पर जो HCG है, जो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम की सिचुएशन होती है, वो भी HCG के एक्सेस रिलीज होने के कारण होगी। यदि HCG का लेवल ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम होगा, जो कि प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग है। नेक्स्ट वन इज करेक्ट मेथड ऑफ होल्डिंग द पिन्ना इन चिल्ड्रन इज। तो बच्चों में पिन्ना होल्ड करते हैं हम कोई भी मेडिसिन इंस्टॉल करने के लिए, तो ईयर में जो मेडिसिन हम डालते हैं उसको क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर जब ईयर में मेडिकेशन डालना है या फिर हमें ईयर इरीगेशन करना है, तो पिन्ना को आप किस तरीके से होल्ड करेंगे बच्चों में, चिल्ड्रंस में? ऑप्शन में अपवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, बैकवर्ड डायरेक्टली या फिर डाउनवर्ड डायरेक्टली। तो इनके हिसाब से बच्चों में पूछें तो डाउनवर्ड और बैकवर्ड कैसा करना है? पहले नीचे की तरफ, देन आफ्टर पीछे की तरफ। यदि यही चीज़ एडल्ट्स में पूछें तो पहले ऊपर की तरफ, देन आफ्टर द पीछे की तरफ। तो यहाँ पर आई होप आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हों कि बच्चों में डाउनवर्ड बैकवर्ड और बड़ों में एडल्ट में अपवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक्स्ट वन इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं पेयर्स में, ये जनरली UPSC के एग्जाम मेनली आते हैं, केरला PSC का भी एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग। इनमें से आपको गलत पेयर पहचानना है कि कौन सा है। BCG ट्यूबरक्लोसिस इंट्राडर्मल, DPT पर्टुसिस सबक्यूटेनियस, MMR रूबेला सबक्यूटेनियस, OPV पोलियो ओरल। फर्स्ट ऑप्शन है BCG, बेसिलाई कालमेटिक यूरिन, फुल फॉर्म याद रखें आप, बेसिलाई कालमेटिक यूरिन ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए दी जाने वाली वैक्सीन है, और जो कि इंट्राडर्मल रूट से दी जाने वाली ओनली एक है, सिंगल वैक्सीन ही है, तो आपको नाम याद रखना और रूट याद रखना ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए। दूसरा है यहाँ पर DPT पर्टुसिस सबक्यूटेनियस, तो DPT डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, ये पर्टुसिस के लिए भी दी जाती है क्योंकि इसमें पर्टुसिस कंटेंट है, लेकिन ये इंट्रामस्कुलर दी जाती ना कि सबक्यूटेनियस। MMR
रूबेला और सबक्यूटेनियस, तो उनको करेक्ट पेयर है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन है, पोलियो से प्रिवेंट करने के लिए ओरली दी जाती है, दो बूंद जिंदगी की। यदि यहाँ पर आपको अब याद रखना है, डीपीटी दी जाती है इंट्रामस्कुलर रूट से वास्टस लेटरलेस मसल्स में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको वास्टस लेटरलेस मसल्स में इंट्रामस्कुलर जितनी भी वैक्सीन होंगी, इंजेक्शन होंगे बच्चों में, वो दिए जाते हैं इन्फेंट पीरियड में। अब यहाँ पर यदि आपको ओरली दी जाने वाली वैक्सीन के नाम याद रखना है, तो ओपीवी और रोटा वायरस है, दोनों ओनली वैक्सीन ओरली दी जाती हैं। एमएमआर सबक्यूटेनियस दी जाती है और बीसीजी इंट्राडर्मल दी जाती है। नेक्स्ट वन इज द मेन सिम्टम ऑफ अ चोकिंग इमरजेंसी इज, तो यदि चोकिंग है तो मेन सिम्टम कौन सा होगा? इनेबिलिटी टू स्पीक, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ड्राइनेस ऑफ माउथ या फिर अनकॉन्सियसनेस। तो यदि किसी को खाते खाते कुछ भी यदि फंस गया हो गले में, चोकिंग की सिचुएशन हो गई हो, या फिर कुछ खा लिया हो इस तरीके से कि वो फंस जाए, तो इमरजेंसी में यदि चोकिंग है तो मेन सिम्टम क्या होगा? तो होगा इनेबिलिटी टू स्पीक, पर्सन बोल नहीं पाएगा। अब यहाँ पर यदि इमरजेंसी में चोकिंग का सिम्टम पूछा तो आपको पता है, लेकिन आपको तीन तरीके यहाँ पर याद रखने हैं। यदि एडल्ट्स में पूछें क्या है, यदि एडल्ट्स में पूछें तो आपको क्या याद रखना है, हेमलिश मैन्यूवर नाम याद रखना है, हेमलिश मैन्यूवर, जिसमें आपको 5 बैक ब्लो एंड 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट देने होंगे। यदि चिल्ड्रंस में पूछें, चिल्ड्रंस में भी 5 बैक ब्लो और 5 चेस्ट थ्रस्ट, लेकिन चिल्ड्रंस में ये चीज़ क्या करना है, बिठा के की जाएगी। और यदि बात आती है इन्फेंसी पीरियड में, किसमें आती है, इन्फेंसी पीरियड में, तो बच्चे को अपने नी के ऊपर, घुटने के ऊपर, ये देखिए जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, आपकी जो फिस्ट है वहाँ से आपको 5 बैक ब्लो देना है, हील ऑफ हैंड, सॉरी जो हाथ की आपकी हील है उसको यूज़ करके बच्चे को दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में, कहाँ पर, शोल्डर ब्लेड के बीच में आपको क्या करना है, 5 बैक ब्लो देना है। देन आफ्टर आपको सीधा करके चेस्ट थ्रस्ट देना है 5 टाइम, और जो ब्रेस्ट बोन है यहाँ पर कंप्रेस करना है आपको कितना, 1.5 इंच, कितना, 5 बार। तो आपको यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, यदि चोकिंग एडल्ट्स में है तो हेमलिश मैन्यूवर से आप ट्रीट करेंगे, इन्फेंसी में है तो 5 बैक ब्लो एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट। नेक्स्ट वन इज अ थिन एंड सेमी ट्रांसपेरेंट पार्टीशन बिटवीन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड मिडिल ईयर इज कॉल्ड, तो एक थिन सेमी ट्रांसपेरेंट पार्टीशन होगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिडिल ईयर के बीच में, तो क्या है, ऑप्शन है यूएस्टेचियन ट्यूब, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या फिर ऑडिटरी ऑसिकल। तो यहाँ पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट का है, देखिए मिडिल ईयर और आउटर ईयर क्या है, मिडिल और आउटर के बीच में जो एक यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या कहेंगे, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और ईयर ड्रम क्या कहेंगे, ईयर ड्रम और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो कि इन दोनों के बीच का पार्टीशन है। यहाँ पर जो ऑडिटरी ऑसिकल है, ऑडिटरी ऑसिकल ये क्या है, ये मिलियस इनकस एंड स्टेपस, स्टेपस ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बोन है, तो यहाँ पर आपको इनके नाम याद रखना है। और कानों का काम यदि पूछें तो बॉडी बैलेंस, सुनने के साथ साथ बॉडी बैलेंस को बनाने का काम भी यही करते हैं, क्योंकि जो वेस्टिवो कोक्लियर नर्व है, जो कोक्लियर नर्व है क्या करती है, बॉडी बैलेंस बनाने का काम करती है। और यदि यहाँ पर और आपको डीपली याद रखना है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मेडिसिन को लेके बनते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द पॉइंट एट विच द ट्रैकिया डिवाइड्स इंटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, तो ऐसा पॉइंट आपको बताना है जहाँ जो ट्रैकिया है, वाइंड पाइप है जिसको हम कहते हैं, ये दो जगह डिवाइड होती है, लेफ्ट लंग में, राइट लंग में, जो क्या करेगा, प्राइमरी, सॉरी राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगी। तो वो पॉइंट क्या है, हाइलस, लोब्स, कार्डियक नोच या फिर करीना। तो जब ट्रैकिया दो जगह डिवाइड होगी, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, तो ये क्या कहलाती है, करीना। इस तरीके से देखिए यहाँ पर ट्रैकिया यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो गई, राइट लंग के लिए राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट लंग के लिए लेफ्ट ब्रोंकाई। तो यहाँ पर जब डिवाइड होती है तब ये क्या कहलाएगी, करीना। अब आपको लंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो लोब्स को लेके कंफ्यूजन हो, यदि आपको कुछ भी इस तरीके का हो, तो जो हमारा सेकंड चैनल होगा उसमें आपके दो दो तीन तीन मिनट में पूरे कन्फ्यूज़न क्लियर किए जाएंगे सेपरेटली।
तो यहाँ पर यदि लंग्स में लोब की बात करें तो टोटल 5 लोब होंगे, राइट साइड 3 लोब, लेफ्ट साइड 2 लोब, अपर एंड लोअर। तो लेफ्ट लोब क्या होगा, थोड़ा छोटा होता है, और क्यों होगा है, क्योंकि हार्ट को स्पेस देने के कारण। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। और यहाँ पर जो पार्ट है, देखिए सेकेंड इमेज, तो ये जो यहाँ पर रिंग्स दिख रही हैं आपको, क्या कहलाते हैं, करीना, या फिर कैरीना भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोमनियोस इन अ वूमेन विथ जेस्टेशनल डायबिटीज। तो यदि किसी वुमेन को क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो हाइड्रोमनियास होने के चांसेस क्यों हो रहे हैं। ऑप्शन में है, इंक्रीज ट्रांसड्यूशन, फीटल डायरेसिस, अब्सेंस ऑफ स्वालिंग रिफ्लेक्स इन फीटस, या फिर हाइपरप्लासिया ऑफ ब्लड वेसल्स। तो हाइड्रोमनियास क्यों डेवलप हो रहा है यदि लेडी को क्या है, ऑलरेडी डायबिटिक है, वो भी जेस्टेशनल की ओनली प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़ है। तो यहाँ पर क्यों हो रहा है हाइड्रोमनियास, तो एक इसके कारण हो गए होगा, फीटल डायूरिसिस के कारण। क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाइड्रोमनियास का मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा लेबल में क्या बनना, एमनियोटिक फ्लूड होना। और ये फीटल डायूरिसिस है जो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है। हाइड्रोमनियास की जगह पॉलीहाइड्रोमनियास भी टर्म आपको आ सकता है, दोनों सेम है, हाइड्रोमनियास और पॉलीहाइड्रोमनियास। तो यहाँ पर जब जो वर्टिकल पूल है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो AFI इंडेक्स, एमनियोटिक फ्लूड इंडेक्स है, अबव 24 जाएगा, जो कि 25 माना जाता है, तब क्या कहलाता है, हाइड्रोमनियास। और इसका मेन रीज़न क्या होता है, फीटल डायोरिसिस। क्या होगा, फीटल डायोरिसिस। नेक्स्ट वन इज, अ फैक्टर प्रीडिस्पोजिंग अ पर्सन टू नोजोकोमियल निमोनियाज। तो कौन से फैक्टर हैं, कौन से रीजन है जो पर्सन को नोजोकोमियल और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया के कारण बन सकते हैं। ओरोफेरेंजियल कॉलोनाइजेशन ड्यू टू माउथ ब्रीदिंग, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, यूज ऑफ एनजी ट्यूब, या फिर यूज ऑफ H2 एंटागोनिस्ट। तो ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, इसलिए यहाँ पर ऐड किया गया है। तो नोजोकोमियल निमोनिया, दूसरा नाम क्या, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर का मतलब है, और जो बढ़ावा देगा इस डिसीज़ को होने के लिए, तो वो होगा एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, नोजोकोमल निमोनिया यदि बात की जाए, कौन सा नोजोकोमल निमोनिया की, तो क्यों होगा, वो होगा एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के कारण। यदि पर्सन एटलीस्ट 48 से 72 घंटा हो गए हो, 48 to 72 आवर तक एडमिट हुए उसको हो गए हो, तो ये किसके कारण होने के चांसेस होंगे, ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन के कारण। नेक्स्ट वन इज, अ 6-year-old चाइल्ड इज एडमिटेड विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, विच इज द सिग्निफिकेंट नर्सिंग इंटरवेंशन टू बी डन डेली बाय द नर्स। तो यदि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो आप यहाँ पर डेली है जो क्या चीज़ चेक करेंगे, ऑप्शन में चेकिंग द टेम्परेचर, मॉनिटरिंग इनटेक आउटपुट, मेजरिंग मिडाल सर्कमफेरेंस, या फिर चेकिंग कैपिलरी रिफिलिंग टाइम। तो यहाँ पर यदि बात की जाए नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, तो यदि किसी बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इवन यदि एडल्ट्स को भी पूछते हैं, तब भी आपको क्या चेक करना है, इनटेक आउटपुट। क्योंकि यहाँ पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या है, किडनी आपकी बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिलीज करेंगी, बॉडी टू एक्सक्रीट टू मच प्रोटीन इन द यूरिन। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिलीज करती है यूरिन में। और जब भी बात यदि आपको किडनी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम की पूछी जाती है, यहाँ पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, किडनी फेलियर पूछ सकते हैं, तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले यदि इस तरीके के ऑप्शन आते हैं, तो इनटेक आउटपुट चार्ट को मॉनिटर करना सबसे पहले देखा जाएगा। नेक्स्ट वन इज, द एंटीडोट यूज्ड इन आयरन टॉक्सिटी इज, तो इनकेस आयरन ओवरडोज हो जाता है तो आप क्या देंगे एज एन एंटीडोट के तौर पर, एन एसिटाइल सिस्टीन, एट्रोपिन, चारकोल, या फिर डिफ्रॉक्सामाइन। तो यहाँ पर आप क्या देंगे यदि आयरन है जो ओवरडोज हो जाएगा, तो यदि इनकेस आयरन ओवरडोज हो जाता है तो आप यहाँ पर क्या देंगे पर्सन के लिए, यदि आयरन ओवरडोज होता है तो हम क्या देंगे यहाँ पर, डिफ्रॉक्सामाइन। क्या है, डिफ्रॉक्सामाइन। और यदि पैरासीटामॉल पॉइजनिंग आती है, पैरासीटामॉल और एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग होती है, तो हम क्या देंगे, एन एसिटाइल सिस्टीन। यदि आपको ऑल ओवर, या फिर ये कह सकते हैं यूनिवर्सल एंटीडॉट पूछें, तब आपको क्या कहना है, चारकोल। नेक्स्ट वन इज,
येलो कलर कोड इज यूज फॉर विच टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट? तो येलो कलर कोड है किस टाइप के वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए यूज किया जाता है, ग्लासवेयर, बॉडी पार्ट्स, प्लास्टिक या फिर सार? तो येलो कलर कोड यूज किया जाता है बॉडी पार्ट्स को डिस्कार्ड करने के लिए। बॉडी पार्ट्स का मतलब है प्लेसेंटा हो गए, एम्पुटेटेड ऑर्गन हो गए कुछ भी, या फिर ब्लड से रिलेटेड गॉज हो गए, वो सभी किस में डिस्कार्ड किए जाएंगे, येलो कलर में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज रिकमेंडेड फॉर एडल्ट्स एज अ सेफ साइट फॉर द मेजोरिटी ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन? तो यहाँ पर एडल्ट्स की बात हो रही है, एडल्ट्स में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए सेफ साइट कौन सी है, बेस्ट सेफ साइट? वास्टस लेटरलिस, वेंट्रोग्लूटियल, डॉर्सल ग्लूटियल या फिर रेक्टस फीमोरिस? तो एडल्ट्स में बात की जा रही है, यदि सेफ साइट पूछते हैं हम IM इंजेक्शन के लिए, तो वो है वेंट्रोग्लूटियल साइट। क्या है? वेंट्रोग्लूटियल मसल्स और वेंट्रोग्लूटियल साइट्स। यदि बात की जाती है इन्फेंट में तो क्या होगी, वास्टस लेटरलिस साइट। नेक्स्ट वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डेटा। तो डेटा दो तरीके से कलेक्ट किया जाता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर बताना है आपको ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सा है। ऑप्शन में ईचिंग, नोसिया, फीलिंग ऑफ वरी या फिर डिसकलरेशन ऑफ द स्किन। तो जो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव डेटा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है, डिसकलरेशन ऑफ द स्किन, क्योंकि आप देख पा रहे हैं, जो कि आप डॉक्टर के थ्रू वेरीफाई किया जाएगा, साइज हो गई किसी भी चीज़ की, लोकेशन हो गया, कलर हो गया ड्रेनेज का, या फिर यहाँ पर कहा कि स्किन में डिस्कलरेशन दिख रहा है। जो चीज़ें एग्जामिनर ऑब्जर्व कर पा रहा है उनके लिए हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव डेटा। और जो इन्फॉर्मेशन पेशेंट दे रहा है आपको वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव डेटा। जैसे कि पेशेंट कहेगा कि उसको वोमिटिंग फील हो रही है, आप देख सकते हैं कि आपको ये थोड़ी पता रहेगा कि पेशेंट क्या फील कर रहा है। जो चीज़ें पेशेंट फील कर रहा है, बताएगा, इन्फॉर्म करेगा, वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव डेटा। नेक्स्ट वन इज द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नोन एज। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सर्विक्स में एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी, तो ये क्या कहलाएगा, ओसिएंडर साइन, गॉडेल साइन, चैडविक साइन या फिर पिकाकेक साइन? तो ये सभी साइन मैंने आपको एटलीस्ट 100 टाइम्स पढ़ाए हुए होंगे। तो एक्सट्रीमली सर्विक्स सॉफ्टनिंग क्यों होगी, इंक्रीज वेस्कुलराइजेशन के कारण, और ये साइन क्या कहलाएगा, गॉडेल साइन। नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन इन वन आयरन टेबलेट फॉर मदरसेस। तो मदर के लिए जो एलिमेंटल आयरन, सॉरी, जो आयरन टेबलेट दी जाती है, तो उसमें एलिमेंटल आयरन कितना होता है, 50 mg, 60 mg या फिर 60 mg? तो यहाँ पर बात की जा रही है एलिमेंटल आयरन की। तो आयरन टेबलेट में, एक आयरन टेबलेट में जो एलिमेंटल आयरन होता है वो होता है 60 mg। एग्जाम में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू कॉम्बैट मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिटी इज। यदि MgSO4 की टॉक्सिटी हुई है तो क्या है जो ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर यूज़ किया जाएगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड? यदि MgSO4 की टॉक्सिटी हुई है किसी पर्सन में, तो MgSO4 किसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है, एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट में। किसमें, एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, MgSO4। यदि इसकी टॉक्सिटी होती है, ओवरडोज होती है, तो हम क्या देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट वन इज द एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द अम्बिलिकल कॉर्ड इज इंसर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन इज नोन एज। तो यहाँ पर है कि जब अम्बिलिकस है, जनरली सेंटर से है जो रहेगी, लेकिन इसमें क्या होगी, मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगी, तो ये क्या कहलाएगी, वेलामेंटस, वेटल डोर, सक्सिनेटरा या फिर मार्जिनल? तो जब अम्बिलिकस कहाँ से इंसर्ट होगी, मेम्ब्रेन से, तो ये क्या कहलाएगा, वेलामेंटस इंसर्शन। क्या कहलाएगा, वेलामेंटस इंसर्शन। नेक्स्ट वन इज द इंडेक्स फॉर फाइंडिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितने तरीके से इफेक्टिव है या फिर कितनी फेलियर हुई है, वो सभी चीज़ों के लिए क्या है जो यूज़ किया जाएगा, वो है यहाँ पर पर्ल इंडेक्स। पर्ल इंडेक्स यूज़ किया जाता है टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी। दैट मीन्स आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ की है तब भी आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर
पर्ल इंडेक्स या फिर ये कह सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव एफिकेसी और फेलियर के लिए जो इंडेक्स यूज किया जाता है वो क्या है, पर्ल इंडेक्स। नेक्स्ट वन इज एन 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड वॉज ब्रॉट टू द वेल बेबी क्लिनिक फॉर बूस्टर डोज ऑफ DPT वैक्सीन। विच अमंग द फॉलोइंग मसल इज प्रिफर्ड बाय द नर्स टू एडमिनिस्टर वैक्सीन। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि वेल बेबी क्लिनिक में, और PSC भी आ सकता है आपको कि DPT का बूस्टर डोज लगना है, 18 मंथ एज है बच्चे की, तो यहाँ पर आप जो वैक्सीन देंगे किस रूट से, किस मसल्स में देंगे, क्योंकि DPT पता है IM देते हैं, तो कहाँ देंगे, वास्टस लेटरलिस मसल्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इज कॉन्स्टेंट एंड रिलायबल इन एन इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन में कौन सा साइन है जो कि कॉन्स्टेंट है और रिलायबल भी है, जिससे फाइंड आउट होगा कि पर्सन को इन्फेक्शन है। तो ऑप्शन में डायरिया, फीवर, वॉमिटिंग या फिर ब्लीडिंग। तो इन्फेक्शन के जो कार्डिनल साइन होते हैं तो उनमें से एक क्या है, वो है फीवर। क्या है, बॉडी टेम्परेचर। क्या होगा, फीवर और बॉडी टेम्परेचर जो कि कार्डिनल साइन है जो माना जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, फीवर। कोई भी इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो, तो जो साइन होते हैं क्या है, रेडनेस जिसको हम रूबर कहेंगे, स्वेलिंग, ट्यूमर, हीट, कॉलर, और यहाँ पर पेन का मतलब है डॉलर। और कुछ भी फंक्शन लॉस होते हैं तो उसको क्या कहेंगे, लेसा, फंक्लेसा। तो यहाँ पर मेनली आपको जो याद रखना है कार्डिनल साइन वो क्या है, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन। तो यहाँ पर इनके रूबर, ट्यूमर, डॉलर, ये क्या रखना है आपको, इनके नाम याद रखना है। तो यदि कोई इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है तो क्या होगा, फीवर होगा आपकी बॉडी में, रेडनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग होगी, तो ये सब क्या है, इन्फेक्शन के साइन हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लडी सैंग्वेनियस डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल्स। तो इनमें से क्या है जो निपल्स से, ब्रेस्ट निपल्स से क्या होगा, कोई ब्लड या फिर सैंग्वेनियस पस रिलेटेड डिस्चार्ज निकलने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ऑप्शन में है इंट्राडक्टल पैपिलोमा, इंट्राडक्टल कैंसर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर डक्ट एक्टेसिया। सैंग्वेनियस डिस्चार्ज के लिए, ब्लडी डिस्चार्ज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी वो होंगी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। बाकी यदि डक्ट्स में कोई कैंसर है तो निकल सकता है, पैपिलोमा है तो भी हो सकता है, और डक्ट एक्टेसिया तब भी है जो ब्लड या फिर कुछ भी पस रिलेटेड सैंग्वेनियस है जो ऑर्डर स्मेली है, क्या रहेंगे, डिस्चार्ज निकल सकते हैं, बट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होंगी। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट व्हेन अ मेल क्लाइंट इज हैविंग अ टॉनिक क्लोनिक सीजर। तो यदि किसी मेल क्लाइंट को टॉनिक क्लोनिक सीजर्स आते हैं तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। रीस्ट्रेन द क्लाइंट्स आर्म्स एंड लेग्स, प्लेस अ टंग ब्लेड इन द क्लाइंट्स माउथ, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड या फिर टेक मेजर्स टू प्रिवेंट द इंजरी। यदि किसी पर्सन को टॉनिक क्लोनिक सीजर्स आते हैं तब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, चाहे एक्लेम्प्टिक फिट्स आए या फिर फिट्स आए, सीजर्स आए, या फिर यहाँ पर पर्सन को एपिलेप्सी, कुछ भी हो सीजर्स रिलेटेड, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी बनेगी कि पर्सन को इंजरी से प्रिवेंट करना। यदि यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या हो कि आपको एयरवे मेंटेन करना है तब आप कह सकते हैं, लेकिन सीजर्स के पेशेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हमें उसको इंजरी से बचाना है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी टेम्परेचर इज डेजिग्नेटेड एज हाइपोथर्मिया। तो इनमें से हाइपोथर्मिया के लिए कौन सा बॉडी टेम्परेचर कंसिडर किया जाएगा। हाइपो का मतलब होगा बॉडी टेम्परेचर डाउन जाना। ऑप्शन में 40-42 डिग्री सेल्सियस, 38-40 डिग्री सेल्सियस, बिलो 35 डिग्री सेल्सियस या फिर 36-37 डिग्री सेल्सियस। तो हाइपोथर्मिया के लिए जो एक डेजिग्नेटेड टेम्परेचर है वो कितना होगा, बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। कितना, 35 डिग्री से कम है, 35 डिग्री सेल्सियस से कम है तो क्या है पेशेंट को, हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एज पर गॉम्स क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग वेट पर एज कम्स अंडर थर्ड डिग्री माल न्यूट्रीशन When compared with the Harvard Growth Standard। तो यहाँ पर माल न्यूट्रीशन के लिए गॉम्स क्लासिफिकेशन और हार्वर्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड लाया गया है। तो कहा गया है कि वेट पर एज, क्योंकि गॉम्स क्लासिफिकेशन में किससे चेक किया जाता है माल न्यूट्रीशन, वेट पर एज, एज के अकॉर्डिंग वेट कितना है। तो थर्ड डिग्री माल न्यूट्रीशन में क्या आएगा, ऑप्शन में 90-110% ऑफ स्टैंडर्ड, 60-74% ऑफ द स्टैंडर्ड,
लेस देन 60% ऑफ द स्टैंडर्ड या फिर 75-19% ऑफ द स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर वेट पर एज की बात हो रही है, थर्ड डिग्री मालन्यूट्रिशन है। तो हार्वर्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड को यदि कंपेयर किया गया, लेस देन 60% ऑफ द स्टैंडर्ड जाता है। थर्ड डिग्री पूछते हैं माल न्यूट्रिशन तो कितना होगा, जब 60% ऑफ द स्टैंडर्ड से भी कम होगा तब। तो गोंद क्लासिफिकेशन यदि पूछे तो ओनली वेट फॉर एज के लिए ही यहाँ पर लिया जाता है, हाइट यहाँ पर इंक्लूड नहीं की जाती, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और यहाँ पर एडिमा है जो ओनली थर्ड डिग्री में ही देखने को मिलेगा, क्या है और जो डिग्री क्या है, नॉर्मल वेट फॉर एज क्या रखा जाता है। तो वेट फॉर एज का मतलब है एज है जो आपकी उम्र के हिसाब से वजन होना, तो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है कितना, मोर देन 90% तक। फर्स्ट डिग्री प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कंसीडर किया जाएगा जब वेट फॉर एज कितना हो, 75-90%। सेकेंड डिग्री पीएम कंसीडर किया जाएगा 60-75, 60-75%। थर्ड डिग्री में होगा लेस देन 60%। गोंद क्लासिफिकेशन एग्जाम में आपको आता है तो किस लिए यूज़ किया जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के लिए, और इसमें वेट फॉर एज है जो इंक्लूड की जाती है, हाइट का यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर मैंथोलेटेड ड्रग्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो मैंथोलेटेड ड्रग्स है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस कंडीशन में रहेगा, ऑप्शन में लो बैक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ब्रोकन स्किन या फिर स्प्रेन। तो जो मैंथोलेटेड ड्रग है जनरली क्या होता है, किसी को लो बैक एक हो या फिर जो मूव वगैरह आती है, स्प्रे वगैरह आते हैं, इनमें क्या होता है, मैंथोलेट रहेगा। तो यहाँ पर मैंथोलेटेड स्प्रेड फॉर्म में भी आ सकता है, या फिर यहाँ पर जो मैंथोल है इसमें क्या रहेगा, यदि पर्सन को कहीं पर भी कुछ ब्रोकन स्किन है वहाँ पर यदि आप स्प्रे करते हैं, लगाते हैं, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा जलन टाइप से होगी, इरिटेशन होगा, इसीलिए क्या रहेगा, कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा। जो मूव आती हैं, जो स्प्रे आते हैं दर्द के लिए, उसमें क्या रहता है, मैंथोल रहेगा। लो बैक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और स्प्रेन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इम्यूनाइजेशन हेल्थ चेकअप्स एंड रेफरल सर्विसेज अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल सर्विसेज आर एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप। ईजी क्वेश्चन है, ICDS में क्वेश्चन है, ICDS में सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इम्यूनाइजेशन हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं किस एज ग्रुप के लिए, ऑप्शन है 12-14 ईयर्स, 8-10 ईयर्स, 7-9 ईयर्स या फिर 3-6 ईयर्स। तो ICDS प्रोग्राम के तहत चारों सर्विसेज दी जाती हैं 3-6 ईयर्स के बच्चों में, जो प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए, इनके लिए 3-6 ईयर्स के बच्चों में। नेक्स्ट वन इज और लॉन्च कब हुआ था यदि पूछें तो कब, 1975 में। एग्जाम में इसका लोगो भी आता है, फुल फॉर्म भी आ सकता है, इसके बेनिफिशियर्स ग्रुप भी आ सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट ऑफ ड्रग किट प्रोवाइडेड एट सब सेंटर। तो सब सेंटर में ड्रग किट प्रोवाइड करवाई जाती हैं, कौन सा उसमें क्या रहेगा, कंटेंट नहीं होगा। तो सब सेंटर में किट ए और किट बी दो तरीके की किट प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ऑप्शन में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, विटामिन ए सॉल्यूशन, टैबलेट पैरासिटामोल या फिर टैबलेट कॉट्रीमैक्सोल। तो जो यहाँ पर किट में प्रोवाइड नहीं होता वो होती है टैबलेट पैरासिटामोल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सब सेंटर में जो दोनों किट होती हैं, किट ए और किट बी, इनमें क्या क्या रहेगा। सब सेंटर में किट ए किट बी राइट, तो यहाँ पर किट ए में क्या क्या रहेगा, ORS रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, आयरन फॉलिक एसिड की लार्ज और स्मॉल दोनों टाइप की टैबलेट होंगी, विटामिन ए होगा और कॉट्रीमैक्सोल होगा, ये होंगे, लेकिन पैरासिटामॉल इसमें इंक्लूड नहीं होगी। किट बी की बात करें, किट बी में पैरासिटामॉल होती है, और यहाँ पर क्वेश्चन है कि किट ए में जो सब सेंटर में कौन सा कंटेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर किट ए में जो कंटेंट नहीं होगा वो होगा पैरासिटामॉल। किट बी की बात करें तो इसमें मिथाइल अर्गोमेट्रिन मैलेट होगा, पैरासिटामॉल होगा, मिथाइल अर्गोमेट्रिन की टैबलेट इंजेक्शन दोनों होंगे, मेबेंडाजोल होगा, डाइसाइक्लोमाइन होगा, प्रोविडीन के जो 5 ट्यूब दिए जाएंगे, सेट्रामीड पाउडर होगा, कॉटन बैंडेज होगा, लेकिन किट ए में पूछें तो पैरासिटामॉल यहाँ पर ऐड नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल रेशियो ऑफ सिस्टोलिक डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर इज।
तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर यहाँ पर नॉर्मल रेशियो पूछा है। तो पल्स प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर जो रेशियो निकलेगा वो क्या होगा, 1/2/3, 2/3/4, 4/3/2 या फिर 3/2/1। तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर निकलेगा, नॉर्मल रेशियो की बात कर रहे हैं हम, कितना होगा 3/2/1। ऐसा क्यों, क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस करेंगे, कितना आएगा 40, कितना आएगा 40। अब इनको हम क्या करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है। रेशियो निकल के आएगा, पल्स प्रेशर कैसे निकालते हैं हम, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक। अब यहाँ पर रेशियो की बात आ रही है तो कितना निकलेगा, 3/2/1, राइट। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द नॉर्मल ओरल टेम्परेचर ऑफ एन एडल्ट। तो किसी एडल्ट पर्सन का ओरल टेम्परेचर कितना होगा, 91.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90.0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 98.6। नॉर्मल एडल्ट का जो ओरल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल वैक्सीन। तो इनमें से वायरल वैक्सीन कौन सी है, टिटनस टॉक्साइड, वैसिलाई कालमेथीग्यूरिन दैट मीन्स BCG, कोलेरा या फिर ओरल पोलियो वैक्सीन। तो टिटनस टॉक्साइड, BCG और कोलेरा ये क्या है, बैक्टीरियल हैं, लेकिन वायरल यहाँ पर क्या है, पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम लिवर टू एडिपोज टिश्यू इज द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिपोप्रोटीन। क्वेश्चन देखिए कि लिवर से एडिपोज टिश्यू में तो फैट का डिपोजिशन होता है वो कहाँ पर होता है, एडिपोज टिश्यू में। अब लिवर से एडिपोज टिश्यू में ले जाके जो फैट रख रहा है, जो काम कौन करेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल करेगा। क्यों, क्योंकि लिवर में नहीं ले जा रहा है ताकि लिवर क्या करेगा, मेटाबोलाइज होकर बाहर निकालेगा, लेकिन उल्टा लिवर से एडिपोज टिश्यू में इकट्ठा कर रहा है। तो ये काम कौन करेगा, HDL, LDL, इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन या फिर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो एडिपोज टिश्यू में क्या कर रहा है, ले जाके जमा रहा है, तो ये क्या है, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अंडर एक्यूट न्यूरोसाइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ एड्स। तो एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए न्यूरोसाइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशन हो रहा है एड्स के पेशेंट में, वो कौन सा है, डेलीरियम, एड्स डिमेंसिया, ऑर्गेनिक हेल्यूसिनोसिस या फिर ऑर्गेनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो न्यूरोसाइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशन जो डेवलप हो रहा है एड्स के पेशेंट में वो क्या है, डेलीरियम, क्या होगा, डेलीरियम। नेक्स्ट वन इज, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द एंडोट्रैकियल ट्यूब फॉर न्यूबॉर्न वेटिंग 2000 to 3000 ग्राम। न्यूबॉर्न का वेट नॉर्मल बताया है, अब यहाँ पर ET ट्यूब की साइज कितनी होगी, 3, 2.5, 4 या फिर 3.5। तो जो एंडोट्रैकियल ट्यूब की साइज की बात की जा रही है, यदि बच्चे का वजन 2000 से लेकर 3000 ग्राम के बीच में है तो कितनी होगी, 3.5। नेक्स्ट वन इज, नो नॉट मी रिएक्शन ऑफ पेशेंट सीन इन विच स्टेज ऑफ डेथ। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ग्रीफ की जो कुबलर रॉस थ्योरी है वो है यहाँ पर टर्मिनल पेशेंट है, पर्सन डिनाइक यहाँ पर कह रहा है कि नो नॉट मी, मैं नहीं हो सकता। तो क्या है, एक्सेप्टेंस है, बार्गेनिंग है, डिनाइल है या फिर एंगर है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, कल क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, गुड नाइट।